नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाई। नजर हैं आज की इन खास खबरों पर। पठापुर और स्थित राम जानकी मंदिर की यहां पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 दिसंबर को सीताराम विवाह महोत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें श्री सीताराम विवाह महोत्सव पंचमी का कार्यक्रम 12 दिसंबर को होगा, जिसमें बारात चलने का समय 6 बजे से बताया गया है। रात्रि में देर रात्रि तक ये भंडारा भी यहाँ पर चलेगा। शहर के चेतकर मंदिर से ये बारात निकलेगी और जाकर के पठापुर स्थित राम जानकी मंदिर में विवाह महोत्सव का कार्यक्रम भी धूमधाम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें कमेटी के सदस्यों के लोगों के द्वारा, यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में शहर के लोग, गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों। ये जो है छतरपुर में पठापुर रोड में श्री राम जानकी मंदिर है, श्री राम अवसर कुंज का, वहाँ पर हम लोगों की साधनाएं सीताराम जी की है। तो ये अगान शुक्ल पंचमी को वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें श्री सीताराम जी का लीला स्वरूप में विवाह होता है। हमारी चेतगिरी कॉलोनी से बारात विधिवत आती है, बारात का स्वागत होता है, समस्त श्रद्धालु वैष्णवों का यहाँ भंडारे का भोजन होता है। कितने बजे क्या समय रहेगा? ये समय रहता है बारात वहाँ से चेतगिरी से लगभग 7:30 पर चलती है, 8 तक यहाँ आ जाती है और ये कार्यक्रम रात तक 12 बजे तक खूब चलता है। सभी श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी दी जाती है, श्री राम दरबार लगता है और जो विवाह की परंपराएं रस्म होती हैं विधिवत मंडप लगा के की जाती हैं और विशेष आकर्षण का विषय होता है। और प्रतिवर्ष जिलाधीश, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, ये सब लोग श्रद्धा से आते हैं और सीताराम जी का दर्शन करते हैं। अभी आपने खबर देखी थी सीताराम विवाह महोत्सव की। अब नजर डालते हैं शहर की कुछ अतिक्रमण की खबरों को लेकर। शहर में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, ये तस्वीरें हैं बुंदेलखंड गैरेज के सामने की। यहाँ पर अतिक्रमण इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि मेन हाईवे पर ये पूरी दुकानों का सामान रख लेते हैं, जिस वजह से घंटों तक जाम की स्थिति भी प्रभावित होती है। इसमें एम्बुलेंस भी फंसी रहती है और कई यात्री ऐसे हैं जिनको जल्दी से जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक तो ना तो रिंग रोड है, ऊपर से अतिक्रमण भी मेन रोड पर पसरा हुआ है, जिस वजह से यात्रियों को आने जाने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और जिस ओर प्रशासन भी बिल्कुल मौन है। खबर निर्माण बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। त्योहारों के सीजन में अपनी खरीदारी को बनाइए और भी अधिक किफायती और उपहारों से भरी हुई। संदेश इन्फोकॉम एवं इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आपके लिए त्योहारों के इस मौसम में उपहारों की सौगात। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदिए और साथ में पाइए ₹2000 तक का गिफ्ट स्क्रैच कार्ड। हमारे यहां सभी ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल, डाइकिन एसी, एलईडी फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। सारे आइटम पर पाइए बजाज फाइनेंस एवं एचडीबी फाइनेंस की सुविधा 0% ब्याज पर। तो आसान किस्तों के साथ अपने त्योहार पर कीजिए खरीदारी संदेश इन्फोकॉम पर आकर। संदेश मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मऊ दरवाजा, चित्रा टॉकीज के पास, छतरपुर। संदेश इन्फोकॉम, रिश्ता विश्वास का। सहयोगी प्रतिष्ठान मारुति कोरियर सर्विस,